अमृत और कुशाल है। अमृत और कुशाल के बारे में बोल रहा है। अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगना पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। कुशाल की अपेक्षा मतलब अगर कुशाल एक करता है तो ये दो करता है। ये क्या दिया हुआ है? इफिशेंसी दिया हुआ है। अब हमको काम निकालना है, तो काम निकालने के लिए क्या करते हैं? इफिशेंसी इंटू टाइम होता है। तो यहाँ जो समय दिया हुआ है, दोनों का समय दिया हुआ है, तो हम दोनों का इफिशेंसी लेंगे। तो दोनों का इफिशेंसी कितना हो जाएगा? 2 1 3। तो इफिशेंसी 3 हो गया और समय दोनों का कितना है? 6 है, बराबर 18 काम हमको करना है। तो काम कौन करेगा? कितने दिनों में? कुशाल अकेला करेगा। कुशाल की इफिशेंसी कितना? 1 है। तो 18/1 बराबर 18 दिन में जो है कुशाल अपना काम कर लेगा। हिमांशु है और अंकित है। हिमांशु जो है अंकित से दुगना सक्षम है। अंकित से दुगना मतलब अगर अंकित का इफिशेंसी 1 है तो हिमांशु का 2 है। अब हमको काम निकालना है, तो काम निकालने के लिए हमको चाहिए इफिशेंसी और टाइम। तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का, तो दोनों का इफिशेंसी लेंगे। तो समय दोनों का कितना है? 16, और दोनों का इफिशेंसी 2 1 3। तो काम कितना हो जाएगा? 16 48, मतलब टोटल हमको 48 काम करना है। तो 48 काम कौन करेगा? अकेला अंकित करता है। तो अंकित का एफिशिएंसी कितना? 1 है, तो 1 से भाग दे देंगे, बराबर 48 दिन में अंकित जो है कंप्लीट कर देगा। ईशान और कमल है। यहाँ बोला है ईशान कमल से दुगना अच्छा श्रमिक है। इसका मतलब हो गया अगर कमल 1 है तो ईशान 2 है, ये इफिशेंसी निकल गया। अब हमको काम निकालना है, तो काम बराबर होता है इफिशेंसी इंटू टाइम। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का दिया हुआ है 29 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोनों का यहाँ पे समय दिया 29 दिन, इसलिए हमको दोनों का इफिशेंसी लेना होगा। 2 1 3, तो 29 87, हमको काम कितना करना है? 87 काम करना है। तो 87 काम जो है कमल अकेला करता है, तो कितने दिन में करेगा? 87/1, तो कितना हो जाएगा? 87 दिन में अकेला कंप्लीट कर देगा कमल।